हेलो एवरीवन, आज हम अनेकार्थी शब्द पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ ही गया होगा कि वे शब्द जो एक तो हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण पढ़ लेते हैं। अक्षर, अक्षर का मतलब बच्चों ध्वनि से भी है, आत्मा से भी है और ब्रह्म से भी है। प्रकृति यानी कुदरत और स्वभाव। पृष्ठ, पन्ना पीछे। तारा, सितारा आँखों की पुतली। उपचार, उपाय सेवा इलाज। अंक, संख्या गोद नाटक का भाग। योग, जोड़ मेल ईश्वर से मिलने की विधि। उत्तर, एक दिशा का नाम। जवाब, जल पानी जलना। पूर्व, एक दिशा का नाम या पहले। गुरु, शिक्षक भारी दीर्घ मात्रा। फल, लाभ नतीजा वृक्ष के फल। अर्थ, धन मतलब के लिए। काल, समय मृत्यु। प्रसाद, कृपा अनुग्रह। पता, मालूम स्थान का विवरण या घर का पता। खग, खग का मतलब बेटा पक्षी और आकाश दोनों से है। इसी प्रकार ग्रहण का मतलब लेना होता है, कोई चीज़ लेना, या चांद और सूर्य पे लगने वाले ग्रहण को भी हम, या लगने वाले दोष को हम ग्रहण कहते हैं। पत्र यानी कि चिट्ठी या पत्ता को भी हम पत्र कहते हैं, जो पेड़ के पत्ते होते हैं। नव, नव का मतलब नया भी होता है और नौ के लिए भी नव शब्द का प्रयोग किया जाता है। शेष, बचा हुआ या शेष नाम। भेद, प्रकार रहस्य या भिन्नता। ऐसी प्रकार संज्ञा का मतलब नाम और चेतना दोनों से है। लाल रंग भी होता है। पुत्र को भी हम लाल बोलते हैं, या कोई बहुमूल्य रत्न होता है जिसका रंग लाल होता है। हार यानी कि पराजय या माला। वार, दिन का नाम हो सकता है। किसी पर आक्रमण करने को भी हम वार कहते हैं और प्रहार करने को भी। तो बच्चों, इसी प्रकार से अनेकार्थक शब्द हैं जिनका शब्द तो एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग वाक्यों में इनका अर्थ अलग अलग या भिन्न हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। धन्यवाद।